बढ़ते हैं और अब कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय, शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड की ही बात करेंगे, काफ़ी गिरावट दिखी है ओवरनाइट। चाइना में डिमांड कंसर्न्स है, ओवर सप्लाई के कंसर्न्स है, ब्रेंट क्रूड पर आपकी क्या राय रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि कच्चे तेल में एक अच्छी खासी गिरावट अगस्त के हाई से अभी तक आती हुई दिखी और ऐसा लग रहा था पिछले हफ्ते तक कि ये 70 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा। जो चाइना का डिमांड कंसर्न है वो पिछले 15 दिन से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि जो जुलाई के अगस्त के आंकड़े आए हैं वो काफी खराब आए और इनफैक्ट यूएस के भी खराब ही थे, जिसकी वजह से कंसर्न थी कच्चे तेल में दबाव रहेगी। लेकिन ओपेक ने स्टेटमेंट दिया था कि जो हम प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो अब दिसंबर देखेंगे हम, जिसके बाद प्राइसेस को एक स्टेबिलिटी भी मिली थी जो 71-72 पे था। लेकिन कल ओपेक का जो डिमांड आउटलुक आया है अगले साल का, वहां पे हमने एक ड्रॉप देखा है, जिसकी वजह से कल हमने एक बड़ा इरोजन देखा है। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड में जरूर है, बट फंडामेंटली कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते आज दबाव रह सकता है, लेकिन सीमित दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। 5650 पे बेचिए, 5720 का स्टॉप लॉस लगाइए। डाउनसाइड है बट लिमिटेड रहेगा जो 5450, बिकॉज टेक्निकली इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट में। कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी यूएस में गल्फ ऑफ मेक्सिको में है, जिसका कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो लिमिटेड डाउनसाइड के लिए बेचा जा सकता है 5480 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ब्रेंट क्रूड पर बिकवाली की राय, भारी गिरावट के बाद अभी भी लोअर लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ब्रेंट क्रूड पर। इसी के साथ नेचुरल गैस पर भी अपनी रणनीति दे दीजिए। देखिए, एनर्जी पैक के अंदर कल हमने न्यूज देखी थी मंडे, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म कैटेगरी 2 का गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट हुआ है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन को हैम्पर करेगा, जो कच्चे तेल को और नेचुरल गैस दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नेचुरल गैस में डिमांड कंसर्न की वजह से दबाव है, लेकिन नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा इसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते कल प्राइसेस में एक अच्छी खासी रैली अप बनते हुए दिखाई दी। आज भी मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे 185 के करीब मिलता है लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस रखिए, 193-194 तक का लिमिटेड अपसाइड कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में भी दिखेगा। यूरोप में जो स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी अच्छी है, जिसकी वजह से बार बार हम देख रहे हैं 90-95 तक जाता है और वहां से करेक्शन लेता है, तो 94-95 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस लेके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो 94-95 तक के टारगेट आप नेचुरल गैस में लगा सकते हैं। इस बीच सोने चांदी पर भी नजर डालेंगे, सोने में भी अच्छा उछाल दिखा है ओवरनाइट। सोने और चांदी में कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, अगर सोने चांदी की बात करें तो अगस्त की तेजी के बाद पिछला 10 दिन जो रहा है वो रेंज बाउंड का रहा है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट 18 तारीख को देखेंगे, जहां पे पहली बार हम यूएस की तरफ से रेट कट देखेंगे। कल भी हमने गेन देखा, जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट और ईसीबी रेट कट के लिए आगे सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल सोना चांदी तेज रहेगा। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइसेस 72-200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ना इंटरनेशनल में 2520 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि कल की रैली के बाद आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है टेक्निकली, जहां पे 72,000 पे बेचना है, 72-250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि जब तक 72-250 का लेवल ब्रीच नहीं करेगा तो हम नई रैली नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़ा इवेंट अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं तो वो सब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 72 पे बेचेंगे, 72-250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 71-600 तक का लिमिटेड डाउनसाइड दिखाई देगा। चांदी के अंदर एज कम्पेयर टू गोल्ड, बेस मेटल की गिरावट के चलते इसमें दबाव है, जो 84,000 पे बेच सकते हैं, 84,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 83,400 तक का टारगेट चांदी में मिलेगा। तो ये रणनीति सोने और चांदी पर, और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने में या सितंबर में ही मंथ टू डेट बेसिस पर देखें तो काफी गिरावट दिखी है सभी कमोडिटीज यानी बेस मेटल्स पर, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, अगेन अगर हम देखते हैं कि पूरे बेस मेटल पैक में डिमांड कंसर्न है वो चाइना से, तो आई थिंक वर्स्ट जो न्यूज होनी थी वो ऑलमोस्ट हमने डिस्काउंट कर चुके हैं। अब चाइना अगर कोई भी पॉजिटिव कट पॉलिसी में लेके आता है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। दूसरा, लोअर प्राइस पे ना जो माइंस के आउटपुट है उसमें भी कमी रहेगी, डॉलर इंडेक्स, ये सब फैक्टर रहेंगे, तो मुझे लगता है एक न्यूट्रल व्यू ही मार्केट में बना रहेगा। परसों हमने तेजी देखी, कल थोड़ा सा पुलबैक देखा, बट आज के लिए मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनानी चाहिए। कॉपर में 781 में 778 के स्टॉप लॉस से लिमिटेड अपसाइड 789, जिंक के अंदर भी हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो 253 पे बाय किया जा सकता है 256 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये रणनीति बेस मेटल्स पर। अजय, शुक्रिया अपना समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर।